मुझे अभी ऑफिस से फोन आया था कि नवजोत कौर सिद्धू का कोई नुमाइंदा वहाँ पे आया और रिजाइन दिया है, और उसमें एक ही लाइन लिखी है कि मैं अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करती हूँ। इसके ज़्यादा और कुछ नहीं, और मैंने उसी वक्त उस रिजाइन की कॉपी भी मंगवाई और उसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले लेने का अधिकार होता है। उन्होंने फैसला लिया है और हम तो उनको अपना रास्ता चुनने के लिए मुबारकबाद देंगे, भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं देंगे। सर, ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई पार्टी से बगावत करता है तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लेती उसको बाहर का रास्ता निकालने में, पर इस बार उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, बहुत कुछ किया, इतना लेट क्यों? देखिए, मैंने आपने अपने सवाल में मेरी बात का जवाब दे दिया कि हमने नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू को पूरी तरह एकोमोडेट किया, उनको एमपी की भी टिकट दी, उनकी पत्नी को मैडम सिद्धू को एमएलए की टिकट भी दी, सीपीएस भी बनाया, उनको बाद में राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। हम तो ये कह सकते कि जितना अकोमोडेट कर सकते थे, जितना मान सत्कार दे सकते थे, हमने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उसके बाद उनकी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा रही होंगी उनके हिसाब से, ना कभी उन्होंने हमसे कभी कोई ज़्यादा अपेक्षा की बात मुझसे की ना कहे, और उन्होंने जाने की इच्छा, उन्होंने रिजाइन दिया और हमने स्वीकार कर लिया। ये भी देखा गया है कि नवजोत कौर सिद्धू और लगातार बयानबाजी हो रही है दूसरी पार्टी में जाने की, भारतीय जनता पार्टी को कितना फर्क पड़ेगा पंजाब इलेक्शन में इनके दूर जाने से? किसी के भी जाने से भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं ये बता दूं कि तीन तीन मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी या कमजोर हो जाएगी, और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अक्ष उभरा है, प्रभाव बड़ा है, और उसके एमएलए एमपी भी आज सबसे ज़्यादा हैं, और जो छोड़ के गए थे उन्हें ही अपनी इस फैसले पे निराशा हुई है। सो भारतीय जनता पार्टी ने सबको मान सत्कार दिया है, और उसमें कभी भी किसी के साथ भी उनका सत्कार देने में कभी किसी के लिए कोर कसर कभी नहीं छोड़ी, और इनके केस में भी किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की। जो केंद्रीय नेतृत्व दे सकता था उसमें उससे ज़्यादा देने की कोशिश की। मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, राजनीतिक फ्यूचर? ये मेरा ख्याल भविष्य में अभी 10-15 दिन में आप खुद ही बताएंगे, और अगर आप यही बात अब 3 महीने पहले देखते थे और 3 महीने अब में क्या उभरा है, ये आप खुद बताएं। बाकी मैं इतना जरूर आपको ये आपके बता देना चाहूँगा कि आज तक जिसने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और उसको छोड़कर कहीं गया है, भारतीय जनता पार्टी को उसका कभी कोई असर नहीं पड़ा, और उनके ही किसी भी अक्ष के ऊपर कोई कम लोगों ने ठीक तरह से उनको स्वीकार नहीं किया। छोड़ना ला छोड़ना।